था इसमें कभी मत खाना, कभी भी मत खाना। वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम कोमल एंड यू वॉचिंग कोश व्लॉग। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं एक चैलेंज करने वाली हूँ, जो एक 24 आवर्स चैलेंज होने वाला है, जिसमें मैं करने वाली हूँ ईटिंग ओनली गोल गप्पा फॉर 24 आवर्स। सो गाइज, अभी हो रहा है मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग के 9 बज चुके हैं। आज मैं खाऊंगी ब्रेकफास्ट में गोल गप्पा। तो कहीं कहीं पर पानी पूरी भी बोलते हैं, पुचका भी बोलते हैं, हर जगह अलग अलग बोलते हैं। आप लोग भी बताना आपकी सिटी में क्या बोलते हैं गोल गप्पा को। यहाँ पर तो नॉर्मली गोल गप्पे बोलते हैं, ठीक है। तो मैं ब्रेकफास्ट में गोल गप्पे खाने वाली हूँ। मैंने रात को ही गोल गप्पे मंगा लिए थे, जस्ट बिकॉज कि मुझे पता था कि मॉर्निंग में कहीं पर भी गोल गप्पे नहीं मिलेंगे और मैं कॉलेज जाऊँगी तो ना मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, मैं इतना लेट ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहती थी। तो मैंने सोचा गोल गप्पे खाने ही हैं, तो फिर मैं रात को ही मंगा लेती हूँ, सुबह मैं खाकर चली जाऊंगी। स्टार्ट करते हैं अपने इस चैलेंज व्लॉग को यहीं से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, एज यू कैन सी, यहाँ पर मैं रख चुकी हूँ अपने गोलगप्पों को अच्छे से, और ये हैं आटे वाले गोलगप्पे। मैं आटे वाले, मुझे आटे वाले ही गोलगप्पे अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर है इसकी स्टफिंग। स्टफिंग कल क्या हुआ था, कल मेरे से स्टफिंग ना थोड़ी सी फेल गई थी, तो इस वजह से थोड़ी सी बची, तो मैं इसी से काम चला लूँगी। और ये गाइस सीरियसली कितना ग्रीन पानी है, ऐसे देखो ग्रीन है, लाइक सीरियसली बहुत ज़्यादा ग्रीन है। सो गाइस, मैं स्टार्ट करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊँगी अगर मैं इसको स्टार्ट नहीं करूँगी। तो मैं डिप कर रही हूँ, मैंने स्टफिंग ले ली, डिप कर लिया। एंड बहुत खट्टा और बहुत ज़्यादा ठंडा वाला है। ओह माय गॉड, मैंने काफ़ी फुल कर लिया था कि लाइक ये टेस्टी लगेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी सिंपल खाऊंगी। ये सब कुछ ख़राब ना हो जाए, इसीलिए मैंने कल रात को ही फ्रिज में रख दिया था इनको। जैसे ही ये आए थे, ये बहुत ठंडे हो चुके हैं, स्टफिंग भी बहुत ठंडी हो चुकी है। मैंने हल्का सा डिप किया, मैंने इसको हल्का सा, गाइस गोल गप्पे ब्रेकफास्ट में कभी मत खाना, कभी भी मत खाना, बहुत गंदा वाया टेस्ट रहेगा, लाइक सीरियसली। मैंने यार लेकिन रूखे खाने पड़ रहे हैं इस पानी में। मैंने सच बताऊँ, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इनसे, अच्छा लगता है मुझे तब भी, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ये ऐसा टेस्ट करेगा। टू 12 समथिंग पीसेस थे, 3 बचे हुए हैं, मैं नहीं खा सकती। गंदा टेस्ट लग रहा है यार, बहुत गंदा लग रहा है, टेस्टी भी नहीं लग रहा। गोलगप्पे इतने टेस्टी होते हैं और ये बिल्कुल टेस्टी नहीं लग रहा। शायद नहीं, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। गाइस सीरियसली टेस्टी नहीं आ रहा है, खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा है। मैं नहीं खाने वाली, मैं नहीं खाने वाली, मैं इनको लंच के लिए रख देती हूँ। छी यार। सो गाइस, मैंने अपना ब्रेकफास्ट तो कंप्लीट कर लिया, जो बिल्कुल उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल गंदा वाला गया है गाइस, बहुत गंदा वाला। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी, ब्रेकफास्ट में कभी भी गोलगप्पे मत खाना, क्योंकि बहुत गंदा टेस्ट लग रहा है यार इनका सच में। चलो ठीक है, मेरा चैलेंज है तो मैंने ब्रेकफास्ट के लिए कंप्लीट कर ही लिया। अब मैं अपने लंच में इनको खाऊंगी और लेट्स सी क्या रहता है। मेरे को लगता है लंच में मैं खा सकती हूँ, क्योंकि कभी कभी कॉलेज से आते टाइम भी मैं खा ही लेती हूँ गोलगप्पे, तो मुझे अच्छे लगेंगे। तो दैट्स इट गाइस, और मैं आपसे बाद में मिलती हूँ लंच टाइम पर। लंच टाइम के लिए मैं यहाँ से गोलगप्पे ले रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं खाऊंगी मैं, घर पर जाके खाऊंगी, तो यहाँ से मैं पैक कर आ रही बेसिकली। तो दैट्स इट, लंच टाइम हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 2:15। और गाइस मैं इतनी ज़्यादा हंग्री हूँ ना,
बहुत ज़्यादा। तो चलिए जल्दी से हम अपना लंच कर लेते हैं, बीच बीच में आपसे बात करूँगी क्योंकि अभी तो मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ। सो गाइज़ मैंने अपने सारे गोलगप्पे के अंदर फिलिंग कर ली है, एज यू कैन सी आलू और मैंने नमकीन रखा है थोड़ा चेंज क्योंकि बस ऐसे ही। और चलिए इसको खाना स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं बहुत अच्छा है। गाइस ये वाले जो गोलगप्पे हैं ना सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी। एक मैं नॉर्मल ऐसे ही खाता देख रही हूँ। गाइस ये वाले जो लंच है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज सुबह ब्रेकफास्ट का जो पानी था ना गोलगप्पे का पानी वो ज़्यादा ही ठंडा था, एक्सट्रीम ठंडा था, इसीलिए टेस्ट भी नहीं आ रहा था। इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकती। गोलगप्पे के काफ़ी सारे पीसेस थे मेरे पास और मेरे पास बचे हुए हैं बस चार, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकती। बहुत ज़्यादा टेस्टी लंच था, बहुत ज़्यादा यम्मी। के पास पांच तरीके के पानी थे बट मैंने रेगुलर और थोड़ा सा तीखा वाला पानी ही मिक्स करवाया था। मैंने पांचों मिक्स नहीं करवाया क्योंकि उसमें ना एक खट्टा मीठा पानी भी होता है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मैं आप लोगों को तब मिलूंगी जब मैं अपना इवनिंग स्नैक करूंगी तब। सो गाइस चलिए अब खाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज मेरा स्नैक कंप्लीट हो चुका है और ये बहुत ज्यादा टेस्टी था। एक्चुअली मुझे थोड़े मीठे वाले गोलगप्पे पसंद है शाम के टाइम खाना। तो दैट्स इट गाइस, मेरा ये तो फिनिश हो चुका है। अब मैं आपसे डायरेक्टली डिनर टाइम पर मिलती हूँ। गाइस मैं फिर से आ चुकी हूँ आप लोगों के पास। एक्चुअली अभी मैं अपना डिनर करने वाली हूँ और अभी टाइम हो रहा है 8:45 हो रहा है, 9 बजने वाले हैं। सो मैंने सोचा कि अपना डिनर कर लेती हूँ, क्या फ़ायदा डाइजेस्ट हुआ या नहीं हुआ, क्या हो गया मेरे को। उससे पहले ना मैं आप लोगों को एक और बात बताने वाली हूँ। जो मैं गोलगप्पे खाने वाली थी ना डिनर के लिए, मैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, एक्चुअली वो थोड़ा सा डिफरेंट था। मैं खाने वाली थी चॉकलेट गोलगप्पे बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरे को मिले नहीं और मैं घर पर भी चॉकलेट से नहीं बना सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं नॉर्मल गोलगप्पे ही खा लेती हूँ, अपना चैलेंज को कम्प्लीट करती हूँ और मेरे को भूख भी लगी है तो वो भी पूरी करती हूँ। सो चलिए अभी अपना डिनर करती हूँ। सो एज यू कैन सी अभी भी मैंने आटे वाले गोलगप्पे मंगाए हैं क्योंकि मुझे ये ही अच्छे लगते हैं यू नो, बट मैंने सूजी वाले गोलगप्पे इवनिंग में खाए थे, आप लोगों को पता ही होगा ये बहुत बड़े बड़े हैं गाइस, इनको टूट गए पूरा। बहुत ज्यादा मतलब टूट रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी।
पानी पूरी की सैंडविच बना के खाती हूँ। गाइज मैंने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया है और मेरा चैलेंज भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब पेट बिल्कुल फुल हो चुका है, बहुत गंदी सी फीलिंग आ रही है मुझे, अजीब सी। गोलगप्पे खा लिए मैंने सुबह से लेकर अब तक, मेरे तो सर पे चढ़ गया, मेरे को तो सर में दर्द और होने लगा। और जैसे गाइज अभी का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय गाइज। सो गाइज मैंने ब्रेकफास्ट